आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, चटपटी और बहुत ही आसान सी रेसिपी जो है ये। इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन खाने में इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। आप इसको राजमा, चावल, कन या फिर पनीर किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका विस्तीन में आप सबका बहुत। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप चावल। चावल आप कोई सा भी यूज कर सकती हैं जो आपके पास हो। थोड़े से हमने मसाले ले लिए हैं, जैसे कि 2 हरी मिर्च ले ली हैं, ये जीरा लिया है। अब जीरा राइस बना रहे हैं तो जीरा तो ज़रूरी ही है। 2 हमने ले लिया है तेज पत्ता, ये थोड़ा सा हमने ले लिया है देसी घी, 2 लौंग ले ली है और 1 ले ली है बड़ी इलायची। नमक डाल देंगे इसमें अपने स्वाद के अनुसार। तो चलिए बनाना। सबसे पहले कुकर को रखेंगे गैस पर, क्योंकि आज हम जीरा राइस को कुकर में बनाने वाले हैं। तो इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम देसी घी। देसी घी अगर आप ना डालना चाहें तो इसकी जगह पर जो आप खाने वाला तेल यूज करती हैं उसको भी डाल सकती हैं। ऐसे घी में इन चावलों का टेस्ट जो है ना मेल्ट हो जाएगा। सबसे पहले डाल देंगे तेज पत्ता, साथ ही में डाल देंगे ये लौंग और जो बड़ी इलायची हमने ली है, और इनको थोड़ा सा भून लेंगे गैस की फ्लेम को लो ही। जैसे ही मसाले भुन जाएंगे डाल देंगे जीरा और जीरे को भी भुनने देंगे, साथ ही में हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने बीच में से थोड़ा सा कट लगा लिया है, इनमें लेंगे। जीरा भुन जाएगा तो डाल देंगे इसमें चावल। चावल को हमने अच्छे से धो के ले लिया है, चावल को थोड़ा सा मिला देंगे घी के साथ। चावल को हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, तो जिस कप से हमने चावल लिए हैं उसी कप से भरकर हम इसमें डाल देंगे। 1.5 कप हमने डाल दिया है और ये 1/2 कप डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे नमक। नमक अगर आपको पसंद हो चावल के अंदर तो ही आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिला देंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 1 विसल आने देंगे। बस 1 ही विसल हमें इसमें आने देनी है, और विसल आने के बाद इसको हम खोलेंगे नहीं, गैस को बंद कर देंगे और कुकर को भी ऐसे ही बंद रहने देंगे। अपने आप इसकी स्टीम निकल जाएगी, उसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। 1 विसल आने के बाद हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, इसका सारा प्रेशर निकल चुका है। तो चलिए खोलकर चेक कर लेते हैं कि चावल बने हैं कि नहीं। और ये देखिए, तो ये लीजिए फटाफट से तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी, चटपटे और सबको पसंद आने वाले लगते हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप इनको मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए आप इसको बनाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप जरूर दें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।